जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को अपनी आंखें उठाए और छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के लिए समय हम आते हैं। आप हम पर अनुग्रह करें, करुणा करें, आप हमें अपने पवित्र वचन के द्वारा बातें करें। प्रभु जी आपको महिमा करना सिखाए। आपने कहा उन लोगों को मैं अपने महिमा के लिए मैंने सिर्जा है। प्यारे पिता अनुग्रह करें उस दुर्बल को अपनी क्रूस की आड़ में छिपा दें, ताकि मैं नहीं लेकिन आप दिखाई दें। मेरे मुंह के द्वारा बातें करें, हमारे हर एक भाई बहनों के हृदय में बातें करें, उनके हृदय में हे प्रभु रिवाइवल लाइए। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आइए एक वचन की ओर हम अपना ध्यान लगाएं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। मैं आपके लिए पढ़ी पहला कुरिन्थियों 6:12। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या क्रिकेट खेलना पाप है? क्रिकेट खेलना क्या पाप है? हमारा भारत देश क्रिकेट पागल देश से बोलते हैं, क्रिकेट के प्रति सबको ही पागल है। तो क्या क्रिकेट खेलना पाप है? यदि आप इसको एनालिसिस करेंगे, क्रिकेट खेलने में कोई पाप नहीं। प्यारे भाई और बहनों, लेकिन क्रिकेट में क्या होता है? वन डे क्रिकेट मैच हुआ कि कुछ भी हुआ, कौन कितना रन किया, कौन बैटिंग किया, कितना ओवर हुआ, मुझे तो खैर उसके बारे में उतना जानकारी नहीं है। लेकिन क्या होता है, हम उसमें बहुत लग जाते हैं और वन डे मैच हुआ, लोग उसमें पूरा लगे रहते हैं और बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। यहाँ पर इसीलिए मैं आपके लिए मैं पढ़ी 1 कुरिन्थियों 6:12। सब वस्तुएं मेरे लिए लाभ के लिए, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं मेरे लिए लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होगा। सब मेरे लिए उचित है लेकिन लाभ की नहीं। प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वासी प्रभु के लोग हैं, क्या ये हमारे लिए उचित तो है लेकिन क्या हमारे लिए लाभ है? हम लाइक ए व्यापारी के समान हमको हमेशा देखना चाहिए कि ये बात मेरे लिए लाभ है कि नहीं। क्योंकि जैसा वचन में मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, स्वर्ग का राज उस व्यापारी के समान है जो अच्छे अच्छे मोतियों की खोज में था। आज हम व्यापारी हैं तो हमें देखना चाहिए कि ये चीज़ मेरे लिए लाभ है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने लिए धन जमा करना अच्छा नहीं। पृथ्वी पर तुम धन मत जमा करो, तुम अपने लिए धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। क्योंकि पृथ्वी में जमा करोगे चोर या सेंध मार के ले सकते हैं या उसमें कीड़े लग सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं छोटी थी ये सब को मैं पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। प्रभु यीशु मसीह का इलस्ट्रेशन, प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश इतना अच्छा लगता है जो कि एक अशिक्षित लोग छोटा बच्चा भी ये आराम से समझ सकता है। और इसका लिटरल मीनिंग भी है, स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम अपने लिए धन संसार में नहीं बल्कि स्वर्ग में हम जमा करें। सो प्यारे भाई और बहन, हम संसार में हम एक व्यापारी के समान है। क्या चीज़ करते हैं हम उसमें लाभ है? आज हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसमें कुछ लाभ नहीं। अननेसेसरी थिंग, अननेसेसरी चीज़ों के पीछे हम भागते हैं और हम टाइम वेस्ट करते हैं और जो मेन चीज़ है उसको छोड़ देते हैं। ये चीज़ को हमको देखना चाहिए। इतना हमारा लाइफ स्पान, हमारा टाइम पीरियड इतना कम है, इतना छोटा है हमारा लाइफ पीरियड, उसमें हमको सोच सोच के अच्छे अच्छे चीज़ों को ही करना है। और सबसे बेस्ट चीज़ जैसा कि मार्था और मरियम का एग्जांपल ले लीजिए। प्रभु मरियम को क्या कहता है? मार्था मार्था को कहते हैं मार्था मार्था, तो बहुत सारी बातों में व्यस्त होती है। लेकिन मरियम ने एक उत्तम भाग को चुन लिया जो उसे छीन नहीं लिया जाएगा। एक उत्तम भाग, मरियम प्रभु की चरणों के नीचे बैठ के प्रभु के वचन सुनती थी। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, प्रभु की संगति, चाहे प्रभु में का जीवन, दिस इज प्रेसियस। इस संसार में हम कितना साल तक जीवित रहेंगे? मर जाने के बाद हम प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। और ये पृथ्वी में जो प्रैक्टिस हम करते हैं प्रभु के साथ, जो आराधना करते हैं, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ दैट विल बी कंटिन्यू फॉर एवर। जो चीज़ आज हम कर रहे हैं, हम एक दिन वो स्वर्ग में हम प्रभु के लिए करेंगे। आज हम आराधना कर रहे हैं, ये आराधना बंद नहीं होगी, प्रार्थना हमारा खत्म हो जाएगा। क्यों? स्वर्ग में हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। लेकिन हम परमेश्वर के साथ हम स्वर्ग में वाट्सअप कर सकते हैं और हमारा वाट्सअप कभी भी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 अध्याय में क्या लिखा है, 13 वचन को मैं पढ़ रही हूँ।
भोजन पेट के लिए। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। भोजन, बहुत सारे लोग इससे होते हैं, सुबह उठते ही भोजन का चिंता करते हैं, भोजन कैसा हम भोजन करें, कैसा हम पैसा कमाएं, पेट के लिए चिंता करते हैं, परंतु परमेश्वर भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर दोनों को नष्ट करेंगे। फिर क्या लिखा है, परंतु और उसको दोनों को नष्ट, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए। ये शरीर हमारा जो बॉडी है, ये देह है, ये प्रभु के लिए। सो प्यारे भाई और बहनों, हमारा लाइफ स्पान देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा भजन संहिता में दाऊद कहता है मनुष्य का आयु कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा बल के कारण 70 साल, ज़्यादा बल के कारण 80 भी मान लीजिए आप एप्रोक्स, मतलब एक फिगर लीजिए 70 ईयर्स, 70 साल से आपका 20 साल केवल आप 20 साल माइनस कर दीजिए, 20 साल मतलब आप उधार नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह को उधार पाने से पहले आपका जितना समय ऑल आर वेस्टेड, प्रभु यीशु मसीह के बिना आपका जो जीवन था वो वेस्ट बोल के सोचिए, उसमें कुछ लाभ नहीं है। मतलब अभी रहा 50 साल, 50 में से अब 25 साल आपका सोने में ही बीत जाता है। अब हिसाब करके देखिए कितना साल, कितना समय हम सोते हैं 24 घंटा में, उसके हिसाब करिए, हिसाब लीजिए 25 ईयर्स आप सोने में, और रहा 25 ईयर्स, 25 ईयर्स में आप पढ़ाई करेंगे, 10th पास करेंगे, +2 करेंगे, +3 करेंगे, नौकरी करेंगे, शादी करेंगे, बाल बच्चे होंगे, ये सब में आपका, आप सोच लीजिए 20 साल चला गया, फिर आपका तबीयत खराब हुआ, आप हॉस्पिटल जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अपना भी एक्टिविटी से, ये सब को यदि हिसाब किया जाए 1 और 2 ईयर्स केवल बचता है हम प्रभु के लिए कुछ कर सकते। प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए कहा जाता है जवानी का समय प्रकृष्ट समय है, द बेस्ट लाइफ, बेस्ट टाइम। जवानी के समय अगर आप वेस्ट कर देते हैं, सबसे अच्छा समय प्रभु बोलता है, हे जवान, जवानी के समय जुआ उठाना मनुष्य के लिए कर्तव्य कर्म है। हम शादी हो जाते हैं, वैवाहिक जीवन का जंजाल, बहुत सारे परिस्थिति में हम फंस जाते हैं, और जब आँखों में चश्मा भी लग जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं हम पढ़ते हैं हमको याद नहीं रहता, बहुत सारी बातें होता है। प्यारे भाई और बहनों, ऐसा हिसाब किया जाए 1 और 2 ईयर्स रहता है, और 1 और 2 ईयर्स में हम क्या काम कर सकते हैं प्रभु के लिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा है, जो दिन का 11 बजे जो खड़े थे और प्रभु कह रहे तुम क्यों खड़े हो, तो कह रहे हैं कोई हमको सेवा पे नहीं, काम करने के लिए, मजदूरी के लिए नहीं लिया, तुम भी जाओ, प्रभु बोल रहे हैं। तो हम वही 11 बजे काम करने वाले आदमी है। प्यारे भाई और बहनों, हम आखिरी के आखिरी समय में काम कर रहे हैं। टाइम इज वेरी प्रेसियस, वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम। हम अपना समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक विश्व बहुत सारे लोग फालतू का गप्पाबाजी करके इतना समय बर्बाद करते हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल देख के, अननेसेसरी थिंग, बहुत सारी बेकार बेकार की चीज़ें देख के अपना समय बर्बाद करते, जवान लोग अपना समय बर्बाद करते, बहनें और बुजुर्ग सब सब कोई समय बर्बाद करते। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रही हूँ, मत्ती रची सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 4 अध्याय में हमारा प्रभु यीशु मसीह को जब शैतान परीक्षा किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया, देखिए प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपके लिए पढ़ 4 अध्याय का यहाँ क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह को जब 40 दिन रात प्रभु यीशु मसीह निराहार रहा, तो प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा, तो 3 पद में लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। प्यारे भाई और बहनों, क्या है यह वचन, मनुष्य केवल, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, परमेश्वर के मुंह से एक एक वचन जो निकलता है उसे जीवित रहता है। आप बोलेंगे ये कैसी बात है, क्या हम खाना नहीं खाए? प्यारे भाई और बहनों, हमारे शरीर के लिए भोजन अनिवार्य है, खाना खाना चाहिए, लेकिन ये आप जानिए खाना से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, उससे भी ग्रेटर देन चीज, ग्रेटर चीज क्या है, आपका प्रभु का वचन। भजन 119 का 11 वचन में दाऊद कहता है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु के लोगों को, बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को पढ़ने में समय अतिवाहित नहीं करते, पढ़ते ही नहीं, इसीलिए शैतान उनको इजीली उनको बेवकूफ बना के चला जाता है। वचन का ज्ञान नहीं है, कोई तो पुराना नियम को ही टच नहीं करते हैं, थोड़े बहुत जानते हैं, लिटिल लर्निंग इज डेंजरियस बोलते हैं, आधा अधूरा ज्ञान से आगे बढ़ते। प्रभु का वचन बोलता है
मनुष्य केवल मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट एवरी वर्ड दैट प्रोसीडेड फ्रॉम द माउथ ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, परमेश्वर के मुंह से हर एक निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। ये वचन को हम गांठ बांध ले, जान जाए इंसान के लिए रोटी केवल काफी नहीं, इंसान परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हमको चंगा करता है। दाऊद जैसा बोलता है, यहोवा वही तेरा अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को भी चंगा करता है। ये वचन हमारा बीमार से भी हमको चंगाई देता है। ये वचन कहाँ से कहाँ तक जाता है देखिए प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ इब्रानी 4 अध्याय। आप सबको ही जानते हैं, जाना सुना वचन है इब्रानी 4 अध्याय। प्रभु का वचन क्या है? दोधारी तलवार से भी चोखा है बोल के लिखा है। देखिए वो कहाँ कहाँ तक जाता है प्रभु का वचन यहाँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल हर एक दोधारी तलवार से भी बोल चुका है और कहाँ जाता है, प्राण में जाता है, आत्मा में भी जाता है, गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। कितना इनर पार्ट हमारा अंदर तक चला जाता है। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन, ये परमेश्वर का वचन है जिसमें ताकत है। सो हम इसमें टाइम स्पेंड करें, प्रभु का वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, क्वाइट टाइम ले, परमेश्वर को समय दे। पौलुस जैसा कहता है, सब बातें मेरे लिए तो उचित है लेकिन सब लाभ का नहीं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या करता है, फंदा बन जाता है। जैसा कि इब्रानी 12 अध्याय का 1 वचन में, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ हमें दौड़ना चाहिए, सिद्धता की ओर दौड़ना दौड़ते चले जाएं। पाप भी है और हमारे लिए ये उलझाने वाली पाप, ये सब हमको उलझा देंगे प्यारे भाई और बहनों। फ्रेंडशिप करते हैं, कोई कोई गलत फ्रेंडशिप करते हैं, बोलते हैं ये कोई पाप नहीं है, ये क्या चीज़ मेरे लिए लाभ है। विश्वासी को हर बात में देखना चाहिए क्या ये मेरे लिए लाभ है, ये वेट है, ये हमारे लिए भार है, ये हमारे लिए भार, हमारे लिए फंदा। जो रनिंग रेस जो लोग करते हैं, आप ओलंपिक रेस में, ओलंपिक गेम में देखिए जो रनिंग रेस करते हैं वो कोई भी भार नहीं लेते। आज विश्वासी ये सब भार हमारे जीवन में आ जाते हैं और हम जो इतना भार लेता है तो वो कभी दौड़ नहीं पाएगा प्यारे भाई और बहनों। स्पिरिचुअली बहुत सारे लोग अननेसेसरी चीज़ों में हम दिमाग घुसाए रहते हैं, अननेसेसरी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन स्वर शक्तिमान परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, रोटी के लिए खाली इंसान काम करता है, पेट के लिए। प्रभु क्या बोलता है, भोजन रोटी के पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, लेकिन परमेश्वर ये दोनों को नाश करेगा, वो समय आ रहा है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है अपने लिए धन जमा करो। प्रभु कहता है किसी को एक कटोरा पानी भी पिलाता है तो अपना पुरस्कार कभी नहीं खोएगा। आज आप प्रभु के लिए, हमारा आवर गॉड इज ए पे मास्टर, आप उसके लिए कुछ भी किया रिप्लाई में जरूर रिवार्ड आपको देगा। एक कटोरी पानी भी आप पिलाए किसी को है तो उसका रिवार्ड आपको मिल जाएगा। सो प्यारे भाई और बहनों, इस धरती पे, इस पृथ्वी पे आप प्रभु के लिए कुछ भी करते हैं वो प्रभु अपना अकाउंट में जोड़ते जाता है। सो जाहिर है आज के दिन हम प्रभु के लिए कुछ करें। क्रिकेट प्रेमी देश सब अपना गाल में त्रिरंगा का चिन्ह, मुझे तो जो भी बोलिए मुझे बड़ा बोर लगता है। सबसे अच्छा हीरो बोलने से जो बॉर्डर में हमारा सैनिक लोग हैं, जो देश का सुरक्षा के लिए जो लोग खड़े हैं उनको आप बोलिए हीरो बोलिए, चाहे कुछ भी वो लोग करते हैं, कुछ सही मायना में अच्छा काम करते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन सब देखिए, कोई बोरहोल में गिर जाता है, बीच में निकला था राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन, उसमें जो कैसा उसको रेस्क्यू किए, वो सही मायना में हीरो है, वो तारीफ का, उनको तारीफ पाने का हकदार है प्यारे भाई और बहनों। लेकिन हम अननेसेसरी क्रिकेट और फालतू चीज़ों में हम जाते, जो सही मायना में हमारे देश के लिए काम करते कम से कम हम उनको कंसिडर करें, उनको हम कुछ करें। सो प्यारे भाई और बहनों, ये बात को जानिए, उनसे भी ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल्जर वो तो देश को रक्षा करते हैं, अच्छे काम करते हैं। सो हमें प्रभु भी अपना सोल्जर बनाया आत्मिक जीवन के लिए कि हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। आज इस संसार से प्रभु हमको बचाता है, रक्षा करता है। सो सब बातें मेरे लिए उचित तो है, सब बात मेरे लिए लाभ की नहीं है। सो प्यारे भाई और बहनों, आज जानिए आपको कौन सा चीज़ अननेसेसरी चीज़ों में आज संसार में पाप बढ़ गया, लोग क्या नहीं करते, कुत्ता को भी बर्थडे का केक देते, इसमें क्या लाभ है भाई और बहनों बताइए।
कुत्ता को बर्थडे केक दिया जाता है, टोपी पहनाया जाता है, अननेसेसरी चीज़ों में लोग मन लगाते हैं, जो कि जानवर है वो पशु है, वो मनुष्य क्या बन सकता है क्या? हाँ उसमें है फैथफुलनेस है, लेकिन अपना जन्माए हुए माँ बाप को कोई नहीं पूछता है, मानवीयता दूर हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान पिता की ओर तो कोई ध्यान नहीं देता है। अरे हु इज योर क्रिएटर, तुमको दुनिया में कौन भेजा, कहाँ पर भेजा, किस परिवार में भेजा, किस कंट्री में तुम जन्म लेगा, ये सारा चीज परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया। प्यारे भाई और बहन, क्या आप सोचते मैं इंडिया में आया हूँ, मैं जन्म लिया, इंडिया का कौन सा परिवार में कौन सा देश में बड़ा लड़का बनेगा कि छोटा लड़का बनेगा, ये सारा चीज परमेश्वर ने आपके लिए बनाया। आपका सृष्टिकर्ता को सोचिए प्यारे भाई और बहनों, कुत्ता को बर्थडे केक देते हैं, टोपी पहनाते, उसमें क्या फायदा? रैदर देन अपना परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं। हे इसराइल, अपने सृजनहार परमेश्वर का स्मरण कर, लेकिन इसराइल मुझे भूल गया। परमेश्वर को आज जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो आपके नथनों पे सांस दिया, जिसके चलते आप जीवित हैं, आपके लिए इतना कुछ किया, एसाव और याकूब, एसाव बड़ा और याकूब छोटा, याकूब एसाव का पांव पैर पकड़ के पैदा हो रहा है, सोचता है कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का प्लानिंग था कि याकूब बड़ा होगा, एसाव से याकूब को प्रभु ने ब्लेसिंग देगा। सो आप बड़ा लड़का बनेंगे कि छोटा लड़का बनेंगे, कौन सा, इवन आपका फैमिली में भी, बच्चों का, आपका भाई बहनों का जो सीरियल ऑर्डर भी प्रभु सब तय करता है, हर चीज़ प्रभु तय करता है। इतना अच्छा परमेश्वर आपको एक ऐसा परिवार में दिया, कौन सा जगह में दिया, कितना नंबर भाई या बहन आपको बनाया, कहाँ पर आप रहेंगे, ये सारा चीज़ परमेश्वर आपके लिए ठहरा के रखा है प्यारे भाई और बहनों। लेकिन इंसान उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, अननेसेसरी चीज़ों में हमारा लाइफ पीरियड, हमारा टाइम स्पान, लाइफ स्पान वेरी शॉर्ट, वो थोड़ा समय, जाने कौन घड़ी प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर हो जाएगा, जाने कौन घड़ी हमारा मौत हो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, ये छोटा सा समय को हम ठीक से यूटिलाइज करें और प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं, अपने सृजनहार परमेश्वर को खोजें, मेरा परमेश्वर कौन है, मुझे कौन इस धरती को भेजा, मेरा परमेश्वर कौन है। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीव प्रभु जी परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस वचन को आप आशीष दें, बढ़ाइए प्यारे प्रभु हमारे भाई बहन, जैसा कि अपना सृजनहार परमेश्वर, तू अपना सृजनहार परमेश्वर, तू अपना प्रभु परमेश्वर को स्मरण करना, तू प्रभु अपना परमेश्वर को प्रेम करना, आप कहते हो सारे मन सारे प्राण सारे शक्ति से तू उसे प्रेम करना। हे पिता है प्रभु, हमारा कर्तव्य कर्म है कि हम अपना परमेश्वर को प्रेम करें, अनुग्रह करें हमारे सब भाई बहनों का आशीर्वाद। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनर ग्रहण करें, आमीन। जय मसीह की।